शुरुआत करते हैं और सभी से आग्रह है किसान पूर्वक हमारे साथ Thank you.
और इधर सुखदेव जी महाराज वेद व्यास और ऐसे महान ग्रंथ जो हमारे सामने है ब्रजविलास जो बड़ा भागवत महान पुराण है। नमस्कार करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे इस जो श्री सनातन धर्म ज्योति रमन भजन पाद मंदिर के सदस्यगण की ओर से जितने भी हमारे आए हुए परिवारजन धर्म प्रेमी मित्र और यहाँ के लोग जो है निकट के सभी को सादर प्रणाम नमस्कार। अब भगवान से प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे परमात्मा की अपार कृपा जो है आप पर आपके परिवार पर हमेशा बसते रहे। हम जानते हैं कि बेला जो है ये सब बड़ी खुशहाली का है जबकि हमारे परमात्मा ने का जन्मदिवस है, परंतु इस वर्ष जो है हम देख रहे हैं एक तो वर्ष में भी कुछ घाटा है, इधर से उधर समय हुआ। बोले जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है। परसोत्तम मास आया, कोई मल मास कहते हैं, कोई अधिक मास बोलते हैं, और इसी के उपरांत समय का जो है बौछार बनेंगे तो हमारे ये जो अष्टमी है अवृष्ट होता है सितंबर का आ गया। और ऐसे देखें तो इस महान बेला में इस महान वर्ष में कई अच्छे अच्छे क्रिया हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अब कुछ कुछ जगह पर परिवार में घटना भी घटित हुआ है। आज हम ऐसे समय में सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो है जो नहीं है जो आने वाले हैं जो जाने वाले हैं सभी को लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा सबके घर में धैर्य धीरे धारण करने की कोशिश प्राप्त कराए, सुख संपत्ति बनी रहे सबके घर में। और जो कोई भी जहाँ कहीं पर कोई शायद अपने आप को स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए कहीं पर हो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल आए और ऐसे मंगल कार्य में भाग ले सके। परमात्मा की कृपा जो है हमेशा बरसती रहती है और ऐसे नारायण जी के शरण में जब हम आए तो चले हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले। देवी सरस्वती व्याप्तम यतो जपम उदयतम ओम अखंड मंगलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तद्वदृष्टं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्यात्मलोचने विश्वरूपी विशालक्षे विद्यादेहे नमोऽस्तुतये। ओम नमो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातुजपालयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवं सुखं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दनं सुखिसुखं वंदे जगद्गुरु भयो नमः। जय जय अखिलानंदी अविनाशी जय जय राधा निवासी जय मथुराज वसुदेव जय देवकी नंदन जय नंद नंदन दुष्ट निकंदन जन मन रंजन। जय कृष्णा जय कृपानिधि राधानंद किशोर जय ब्रजराज यशोमति प्रिय चितौ हमारी ओर। विमल चरण जय ध्यान धरि श्रद्धा भक्ति मन लाई ही पर हरि मिते कृपा करे सुमन दृष्टि छरलाए। एक बार कन्हैया लाल की जय मां की महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय भागवत महापुराण की जय सनातन विश्व धर्म की जय सब संतन की जय। हर 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 हर
हमने कल कथा में देखा कि किस भांति और उधर क्या होते हैं, ऋषि मुनि पाते हैं कि कथा कैसे ज्ञान वैराग्य की कथा। तो ज्ञान के बारे में बताएं, ज्ञान की होती है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि किसी का ज्ञान भ्रमस्त हो जाता है कि बुद्धि जो है वो सही कार्य नहीं करती है। तो दीपक के समान होती है भक्ति, अपने जगह पर रहती है और दीप जो जलता है हवा लगता है जिसको के उसको रक्षा मारती है, और कभी कभी कोई और रहता है उल्टा सीधा बताकर उनके ज्ञान दूसरा पर छोड़ देता है। तो यही जगह पर धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाता है और यही धर्म की हानि देखकर और देवऋषि नारद मन में विचार करने लगे कि कैसे सभी घर में धर्म का और बताते हैं किस तरह से हम जो ज्ञान और वैराग्य की स्थापित कर सकेंगे। और यही इसी तरह से बताते हैं कि जब राजा परीक्षित जब सिंहासन पर बैठे तो एक बार घूमते फिरते वन में चले गए और क्या देखते हैं कि धर्म रूपी बैल सामने पृथ्वी गौ रूप धारण किए हुए खड़ी है और देखते हुए अपनी आंखों से आंसू बह रही थी और एक भयंकर पुरुष जो है और वो कलयुग उस बैल का बस निर्दयता पूर्वक बताते हैं खुश रहे थे और बताते हैं कि ऐसा हृदय को विदीर्ण करने वाला दृश्य देखकर और महान दुखी होते हुए राजा परीक्षित जी और क्या करते हैं बताते हैं कारण जानना चाहा। तब पृथ्वी सारा चित्र जो है वो सुनाती है बताते हैं कि हे राजा परीक्षित या बैल वास्तव में इन पैरों पर